श्रावण मास हो और प्रयागराज के गहरेबाजी की बात न हो, कुछ अजीब सा लगता है। जी हाँ, गहरेबाजी यहाँ के लोगों द्वारा किए जाने वाला एक शौक है, जिसमें घोड़ों की दौड़, उनकी चाल का कलात्मक सौंदर्य शामिल है। इसके लिए साल भर घोड़ों को प्रशिक्षण देकर सावन में गहरेबाजी की प्राचीन परंपरा को अंजाम दिया जाता है। सावन का महीना भोलेनाथ की आराधना के लिए जाना जाता है और सावन के सोमवार का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है। लेकिन इस महीने प्रत्येक सोमवार को यहाँ होने वाली गहरेबाजी का भी अपना एक खास आकर्षण है। प्रयागराज में हर साल सावन के सोमवार की शाम इक्कों और घोड़ों की टापों की टक टक से गूंजने लगती है। इक्का दौड़ की इस लोक परंपरा गहरेबाजी को देखने के लिए प्रदेश के कई जिलों से लोग शहर की सड़कों में जमा हो जाते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को सड़कों पर घोड़े दौड़ते नजर आते थे। आम लोग इसे घोड़े की दौड़ समझेंगे, लेकिन यह सदियों से चली आ रही परंपरा गहरेबाजी होती थी। इस दौड़ में दूर दूर के घोड़े भाग लेने आते हैं। अगर बात करेगी इतिहास की तो 200 साल पुरानी परंपरा, जिसे राजा महाराजाओं और संपन्न लोगों ने अपने शौक के चलते शुरू किया गया था। राजा हर्षवर्धन के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है, वह खुद इसका आयोजन कराते थे। फिर मुगलकालीन वाजिद अली शाह के जमाने में इसे परवान चढ़ाया गया। धीरे धीरे पुरोहित पंडा लोगों भी गहरेबाजी करने लगे, क्योंकि जब सावन महीने में राजा महाराजाओं को संगम में स्नान कराते और मंदिरों में पूजा कराते तो उन्हें घोड़े दक्षिणा स्वरूप मिलते थे। आज से सालों पहले सावन के महीने में अहियापुर, कीड़गंज, तारागंज जैसी जगहों में रहने वाले पुरोहित कोटेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाते थे। लौटते वक्त घोड़ों की दौड़ कराते थे। आता संक्षेप में कहें तो गहरेबाजी पहले राजा महाराजाओं का शौक हुआ करता था, फिर धीरे धीरे यह पुरोहित और पंडा समाज से जुड़ा और वर्तमान में कुछ जाने माने घरानों द्वारा इसे पूरे उत्साह के साथ किया जाता है और आम लोगों द्वारा देखा जाता है। सावन के महीने में प्रयागराज की सड़कों पर इक्कों की रेस की अनोखी परंपरा है, जो देश के किसी कोने में देखने को नहीं मिलती। शहर की भीड़ भरी सड़कों पर सावन के हर सोमवार को शाम के समय तेज गति से दौड़ते इक्कों और घोड़ों की टाप की टक टक ही सुनाई पड़ती है। इक्के और घोड़ों की दौड़ की इस अनोखी परंपरा को गहरेबाजी नाम दिया गया, जो शहर की सबसे अलग और सबसे पुरानी परंपरा है। इक्कों की रफ्तार दिखी और घोड़ों की नजाकत भरी चाल भी, पूरे देश में श्रावण मास के दौरान प्रयागराज में ही गहरेबाजी का आयोजन किया जाता है। गहरेबाजी की परंपरा या शौक देश के कई हिस्सों में शुरू हुई, लेकिन आज भी गहरेबाजी को लेकर पहले जैसा उत्साह और जुनून प्रयागराज में सर्वाधिक देखने को मिलता है। कहते हैं सावन भगवान शंकर की पूजा और आराधना का महीना है। इसमें शिव के प्रतीक शक्ति की पूजा की जाती है। घोड़े भी शक्ति का प्रतीक हैं, जिनका एक लोक स्वरूप है। सावन के महीने में आयोजित की जाने वाली गहरेबाजी की लोक परंपरा को देखने के लिए कई जिलों से शौकीन यहां की सड़कों पर जमा होते हैं।